फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक हुरविज थ्योरम। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू नंबर थ्योरी। स्टेटमेंट हुरविज थ्योरम, गिवन एनी इरेशनल नंबर जाई, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट रेशनल नंबर एच वाई के सच डेट मोड जाई माइनस एच वाई के मोड लेस देन है 1/√5 के स्केयर। इसमें क्या बोला गया कि जाई हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है जाई हमारे पास, और वहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट रेशनल नंबर एच वाई के, प्रूव करना कि इस रिजल्ट को होल्ड करेगा। प्रूफ, सिंस मोड जाई माइनस एच वाई के लेस देन है 1/√5 के स्केयर जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे राइट किया हमने। नेक्स्ट क्या है, फिर हमने इसमें इस वाली टर्म में हमें एन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, मोड जाई प्लस एन ब्रैकेट माइनस मोड एन के प्लस एच वाई के मोड लेस देन है 1/√5 के स्केयर। विदाउट लॉस ऑफ जनरेटी लेट 0 < j < 1, और यहाँ पे हमें पता है जो जाई है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, तो सो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि जाई नॉट इक्वल टू होगा 0 के, तो यहाँ से क्या हो गया, लेट 0 < j < 1, यानी कि ये 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता जाई, तो इक्वल टू यहाँ से हटा देंगे, तो जाई की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आएगी। तो लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, अब क्या करेंगे, यहाँ कंसीडर करेंगे फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर एन, सिंस जाई क्या है, इरेशनल है, तो देयर एग्जिस्ट टू कंजिक्यूटिव फेरे फ्रैक्शन क्या होगा, ए बाई बी एंड सी बाई डी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए बाई बी लेस देन है जाई लेस देन है सी बाई डी, देन आइदर यहां से दो केस बनेंगे, या तो जाई लेस देन होगा ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी से, और सेकंड क्या बनेगा कि जाई ग्रेटर देन है ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी से, या तो जाई लेस देन है या फिर जाई ग्रेटर देन है। वी शैल प्रूव दैट इन आइदर केस एटलीस्ट वन फ्रैक्शन आउट ए बाई बी सी बाई डी एंड ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी सेटिफाइज, यानी किसी एटलीस्ट वन फ्रैक्शन को ये सेटिफाइज करेगा। यहां से क्या करेंगे, सपोज करेंगे नन ऑफ देम सेटिफाइज वन, यानी कि कोई भी इनमें से वन, जो इक्वेशन हमारी जो वन ली थी हमने, उसको सेटिफाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम। नाउ वी फर्स्ट प्रूव ए लेमा, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमने एक लेमा प्रूव करना है, या अगर ये 16 मार्क में आती है तो ये लेमा का हमने कंप्लीट प्रूफ डालना है इसमें, इस थ्योरम में, अगर ये आती है 8 मार्क में तो हम ये जो लेमा करवा रहे हैं इसका सिर्फ रिजल्ट यूज करना है। तो हमारे पास लेमा क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर देन द फ्लोइंग टू इनक्वालिटी, क्या है, एक्स और वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो देन द फ्लोइंग टू इनक्वालिटी 1/xy > 1/√5 ((1/x²) + 1/y², इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, एंड 1/x((x+y)) > 1/√5 ((1/x²) + 1/x+y²) 2 and 3, ये दोनों इक्वेशन क्या करेगी, कैन नॉट होल्ड साइमेंटेनियसली, ये हमारा लेमा है। इसका प्रूफ देखते हैं इस लेमा का, इफ पॉसिबल लेट बोथ इनक्वालिटी होल्ड्स, अगर ये दोनों इनक्वालिटी होल्ड्स करती है तो क्या आ जाएगा, जो हमारी ये
जो हमारे लेमा की जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें फर्स्ट से क्या करेंगे हम, हमारी ये वाली टर्म है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड सेंड करेंगे तो ये किससे आ जाएगी, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा √5। और इनका जो नीचे ए एलसीएम आया है एक्स वाई, उसको हम एक्स का स्केयर वाई स्केयर आगे इसका एलसीएम, इसको राइट से लेफ्ट साइड सेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर वाई स्केयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई तो एक वो क्या बच गया यहाँ पे, √5 एक्स वाई बच गया यहाँ से, क्योंकि एक एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया। तो यहाँ से हमें इसको 2 को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया क्या, √5 xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया और उसको रीअरेंज कर लिया लेफ्ट और राइट साइड राइट करके। नेक्स्ट क्या है हमें, अब जो हमारी थर्ड है, जैसे हमने 2 को रीअरेंज किया है एलसीएम लेके, इसी प्रकार हम 3 को करेंगे, या इन दोनों का एलसीएम लिया और जो ये राइट वाली टर्म है नीचे ये इसको यहाँ लेफ्ट साइड सेंड करके जो कटता हुआ हम उसको काट देंगे और बची हुई टर्मों को हम लिख देते हैं यहाँ पे। जो हमारी टर्म में बची है वो क्या बच गया, √5 x(x+y) ग्रेटर देन इक्वल टू x² + x + y और उसका कंप्लीट का होल स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 4th एंड 5th आई है जो हमने अब रीअरेंज करके बनाई थी, फोर्थ इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा हमारे पास, जब ऐड करेंगे 4th और 5th को, तो हमारे पास आ गया √5 x² + 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू √3x² + 2y² + 2xy। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ इन टर्मों को रीअरेंज करेंगे, या तो इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स वाली टर्मों को एक तरफ कलेक्ट करके रख देते हैं और वाई को अलग और एक्स वाई वाली टर्मों को अलग, उनमें से जो कॉमन आता है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्केयर वाली टर्म में क्या बनी, 3 − √5 x² + 2y² − 2 − 1 + √5 और \xy ये लेस देन है 0 से। क्यों आ गया ये कुछ नहीं किया गया, इस बार टर्मों को उस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ इस साइड 0 बच जाएगा हमारे पास, तो ये जब इनको रीअरेंज कर लेंगे तो लेस देन आ जाएगा 0 से। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 2 से। 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 − √5 x² + ये 2 से मल्टीप्लाई 4y² − 4 √5 − 1 और xy लेस देन है 0 से। नेक्स्ट क्या किया हमने, जो हमारा ये 6 था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वो 5 + 1, इसको इस बार कंप्लीट वाली टर्म को लिख दिया 5 − √5 + 1, इसको 6 को ब्रेक कर लिया यानी 5 + 1 लिख लिया हमने, ताकि वापस ये 6 बन जाए। x² + 4y² − 4 √5 − (x, y) लेस देन है 0 से। अब हमने क्या देखा, ये किसका होल स्केयर बन रहा है, ये कंप्लीट ऊपर वाला ये बन रहा है √5 − 1 (x − 2y) कंप्लीट का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम जब हम इसका ये कंप्लीट होल स्केयर सोल्व करेंगे तो हमारे ऊपर वाई टर्म में प्राप्त हो जाएगी। बट स्केयर कैन नॉट बी लेस देन 0, जो हमारा स्केयर है वो लेस देन नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से लेस देन 0 नहीं होता हमारा, ये लेस देन नहीं है तो किसके इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू 0 के होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ आता था ना इसका कंप्लीट का स्केयर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये लेस देन तो हो नहीं सकता स्केयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस टर्म से √5 और बाकी टर्मों को वो लेफ्ट ये लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन गया, √5 = 2y / x + 1। अब हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, और
और इक्वल टू ये क्या गया पी, यानी कि वाई वाई एक्स यानी पी वाई क्या होगी फॉर्म में आ गया, और इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा रेशनल नंबर ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारी इरेशनल है, और बट जो राइट हैंड साइड है हमारी क्या है रेशनल है। तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है थर्ड है वो कैन नॉट होल्ड हो जाएगी, जो हमने ये लेम्मा का प्रूफ था हमारा। अगर ये 60 मार्क में आते तो ये हमें लेमा कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना है, अदरवाइज हम इसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसका रिजल्ट। हमारी थ्योरम में बी शैल डिस्कस टू केस। फर्स्ट केस में क्या था कि जाई लेस देन है ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी से। क्या किया था हमने यहाँ, ये लिया था हमने ए बाय बी लेस देन है जाई और लेस देन है सी बाई डी से। तो यहां से अगर ये वाली जो टर्म है अगर इनके बीच में आती है, या तो ये इनके बीच में आएगी इन दोनों के, या फिर इन दोनों के बीच में आएगी ये वाली टर्म, तो यहां से क्या होगा यही दो केस बनते हैं कि या तो जाई इससे लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो हम इसमें केस डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट जो जाई है लेस देन है ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी से। सिंस बी सपोज नन ऑफ द फ्रैक्शन सेटिस्फाइज वन करके चलते हैं, इनमें से कोई भी नन ऑफ फ्रैक्शन सेटिस्फाइज वन, वन को सेटिस्फाइज नहीं करता, तो यहाँ से क्या होगा मोड जाई माइनस ए बाई बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5v² जो हमारी उर्बिस थ्योरम में जो रिजल्ट है उसका यूज कर रहे हैं हम। क्या था हमारे पास उर्बिस में ये रिजल्ट, ये वाला ये जाई माइनस एच वाई के, एच वाई के की जगह हम ले रहे हैं ए वाई बी। तो नीचे यहाँ से क्या था इस रीजन में क्या था, यहाँ पे ये जो नीचे जो के है तो यहाँ से के स्केयर ले रहे थे, तो अब हमने क्या लिया ए वाई बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्केयर। यह गया यहाँ पे बी स्केयर। अब क्या कह बट ए बाई बी लेस देन है जाई इजिकल टू मोड जाई माइनस ए बाई बी। और ये हमने क्या देखा कि जब हम इसका डिफरेंस करते हैं जाई माइनस ए बाई बी तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके 1/√5v² के, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। आल्सो जो जाई है वो लेस देन है किससे ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी से, तो यहाँ से क्या हो गया आई माइनस ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी। तो यहाँ से क्या आ गया इसमें कौन सा हमारा, इसमें कौन सी है ये जाई लेस देन है इससे, तो ये वाली टर्म बड़ी होगी तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी माइनस जाई। इसी तरह इसमें था ये, इसमें कौन सा था इसमें इन दोनों में क्या ए बाई बी लेस देन है जाई, इसमें जाई बड़ा हो गया इससे तो जाई में से ये माइनस किया था। इसी प्रकार ये इसमें ये वाला, ये वाली टर्म बड्डी होगी और जाई छोटा होगा तो इस बड्डी में से ये छोटी टर्म माइनस कर देंगे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/√5b+d² देखो यहाँ पे ये इसमें ए बाई बी, इसमें जो हमारी ह्यूरबिस थ्योरम का रिजल्ट है उसमें क्या था जो नीचे है ना वो यहीं लेते हैं, ये भी यहाँ पे बी था तो बी स्केयर ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या है बी प्लस डी, तो बी प्लस डी का स्केयर ये लिया है। नेक्स्ट क्या है जाई लेस देन है किससे सी बाई डी से, तो यहाँ से क्या आ गया मोड जाई माइनस सी बाई डी। और यहाँ पे क्या देखा जाई ई लेस देन है सी बाई डी, यानी ये वाली टर्म बड्डी है ये वाली छोटी है, तो ये क्या है बड्डी में से छोटी माइनस करते हैं, तो सी बाई डी माइनस जाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/√5d², ये कैसे है जो नीचे हमारे पास ये है डी, यहाँ उसका डी का स्केयर करते हैं जो हमारे उर्वरित स्थिति में रिजल्ट होल्ड करना है वो वाला। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 8 है उसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 1/√5 ((1/b²) + 1/d² लेस देन इक्वल टू है सी वाई डी माइनस ए वाई बी, ये यहाँ से लिया गया है। ये क्या गया है हमने 6 और 8, 6 हमारी ये वाली है 8 वाली ये है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
इनको ऐड करते हैं। देखो ये वाला ऐड किया यहाँ पे, 1/√5 v का स्क्वायर प्लस 1/√5 d का स्क्वायर। यहाँ से 1/√5 कॉमन ले लिया, बच गया अंदर क्या हमारे पास, 1/v स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर। और ये किससे लेस देन है, लेस देन है इन टर्मों से, इससे और इससे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, जाई ये 6 और 8 को ऐड करते हैं, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाई से जाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, C/D - A/B ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम दोनों का क्या लेते हैं, हम एलसीएम ले लिया हमने, C/D - A/B इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, DB यानी कि BT आ गया। और फिर क्या करते हैं, हम इनकी क्रॉस इसको एलसीएम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, BC और DA या फिर AD, इसको सोल्व कर लिया एलसीएम इसका। फिर क्या आ गया हमारे पास, जो हमने पीछे थ्योरम की थी प्रेविस वाली कि BC - AD है, वो इस रिजल्ट से 1 आती है हमारे पास। ये थ्योरम है पीछे और इसका इसका प्रूफ भी हमारे पास कि ये 1 के इक्वल आती है, तो इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दिया। इसी प्रकार हम ऐड करेंगे इक्वेशन 6 और 7 को, तो हमारे पास ये आ गया 1/√5 (1/v² + 1/b + d) का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये है लेस देन इक्वल टू A+C/B + D - A/B। ये कुछ नहीं किया, जो हमारे पास 6 और 7 है, ये जो हमारे पास ये 6 है ये इतनी वाली और ये 7 है ये, इनको ऐड करेंगे हम तो हमारा आता है। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम लिया ये B+D और B बन गया, और इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ गया हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया BC - AD / B और ब्रैकेट B+D। और यहाँ से जी ये जो ऊपर वाली टर्म है BC - AD, ये हमारी क्या आती है, इसका प्रीवियस थ्योरम में रिजल्ट है हमारे पास, ये 1 के इक्वल होती है। और नीचे वाला एलसीएम एस डी लिखता है, इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दिया। बट हैव प्रूव दैट लेमा 1 बोथ द इनक्वालिटी 2 एंड 3 कैन नॉट होल्ड। ये जो हमारे पास लेमा 1 था उसमें क्या था, जो हमारे पास ये इनक्वालिटी है 2 और 3 कैन नॉट होल्ड, ये एक दूसरे को होल्ड नहीं करती। सो जो हमारे पास ये 9th और 10th आई है, ये भी क्या करेगी, कैन नॉट होल्ड, ये भी होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ये होल्ड नहीं करती, बट हम तो इसका कंट्राडिक्शन लेके चले, तो इसका मतलब क्या होगा, हम तो ये सपोज करके चले थे कि इनमें से कोई भी इक्वेशन, नन ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज 1, तो यहाँ से क्या हो रहा है, उसका कंट्राडिक्शन आ रही है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, एटलीस्ट 1 of A/B C/D A+C/D मस्ट सेटिस्फाइज 1, यानी इनमें से कम एक तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइज करेगी। सेकंड केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या लेके चले थे हम, जाई लेस देन A+C/D से, और जो हमारा अब सेकंड के A+C/D लेस देन है जाई से, इसको भी हम जब सोल्व करेंगे तो J-A+C/D ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/√5 (B+D² ये कैसे आया, ये हमने जो हुर्विट्ज़ थ्योरम की थी, ये हुर्विट्ज़ थ्योरम का जो हमें स्टेटमेंट में दिया रिजल्ट उसका यूज किया है, जो नीचे वाला होता है वो यहीं आके उसका स्केयर कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 11 दे दिया नाम। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 8 है और जो 11 आई है उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाता है 1/√5 (1/d² + 1/b+d) का स्केयर, और लेस देन इक्वल टू है C/D - A+C/D। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन 8 और 11 को ऐड किया गया है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम सोल्व करेंगे। एलसीएम सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई BC - AD और D/(B+D), और ये ऊपर वाली टर्म क्या आती है हमारे पास, 1 आती है। ये हमने
थ्योरम प्रूव की हुई है। तो यहां से इक्वेशन आ गया हमारे पास 12th। एटलीस्ट वन ऑफ ए बाई बी सी बाई डी ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी मस्ट सेटिस्फाइज वन। तो दस देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन फ्रैक्शन एच वाई के सेटिस्फाइज वन। तो क्या एच वाई के इज आइदर इक्वल टू ए बाई बी और सी बाई डी और ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी। सिंस ए बाई बी लेस देन है जाई लेस देन है सी बाई डी सो मोड जाई माइनस एच बाई के लेस देन इक्वल टू है मोड सी बाई डी माइनस ए बाई बी इक्वल टू है। अब क्या किया जो हमारे पास ये है इसमें क्या किया ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी ये वाली टर्म एक बार तो ऐड कर दी एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ये वाली टर्म इस वाली में। फिर क्या आ गया लेस देन इक्वल टू है मोड सी बाई डी माइनस ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी मोड प्लस मोड ए प्लस सी डिवाइड बी प्लस डी माइनस ए बाई बी। अब क्या करते हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं इनके एलसीएम को ये ऊपर वाली टर्म ये बी सी माइनस ए डी आएगी जिसको हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था कि ये वन के इक्वल होती है। तो ये ऊपर वाली वन के इक्वल हो जाएगी और नीचे वाले ये आ जाएगी इसके डी वन बाय डी ब्रैकेट बी प्लस डी प्लस वन डिवाइड बी ब्रैकेट बी प्लस डी। इसमें कुछ नहीं किया गया सिर्फ और सिर्फ इनके एलसीएम को सोल्व किया है इसके भी एलसीएम को सोल्व किया। जो ऊपर वाली टर्म है जो ऊपर वाली टर्म है हमारे पास बी सी माइनस ए डी वो वन के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों यहाँ भी ऊपर वाली टर्म वन के इक्वल हो जाएगी इसमें भी जब तो इसके एलसीएम सोल्व इसके भी टर्म वन के इक्वल हो जाएगी। बट बी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन देयरफॉर ए बाई बी एंड सी बाई डी आर कंजुगेटिव फ्रैक्शन। ये कंजुगेटिव फ्रैक्शन है मोड जाई माइनस एच बाई के मोड लेस देन इक्वल टू वन बाई डी ब्रैकेट। इसमें क्या था जो हमारे पास ये है बी प्लस डी ये क्या होती है ये किससे ग्रेटर देन है एन प्लस वन से। तो इसमें ये लेस देन वाई टर्म पुट कर देते हैं इसकी बी प्लस डी की जगह ये एन प्लस वन यहाँ पे पुट कर दिया दोनों यहाँ भी एन प्लस वन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये लेस देन आ जाएगा टू बाई एन प्लस वन। कैसे जैसे जब हम इनके एलसीएम को लेंगे तो बी भी ग्रेटर देन वन है और डी भी ग्रेटर देन वन है और वन बाई बी करेंगे वो लेस देन आ जाएगा वन और वन बाई डी करेंगे वो भी लेस देन वन यानी कि वन बाई डी लेस देन वन से यहाँ पे वन रख लिया। इसी तरह यहाँ पर वन बाई बी वो लेस देन है वन से तो यहाँ पे क्या बच गया जब इसको सोल्व करेंगे टू बाई एन प्लस वन आ गया। यहाँ पे क्लेम जो ये हमारी इक्वेशन वन है इज सेटिस्फाइज बाय इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एच बाई के लेट दिस रेशनल आर फाइनाइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे रेशनल को है वो फाइनाइट लेट करके चलते हैं लेट कर लिया जो एच वाई एच वन के वन डिवाइड एच टू डिवाइड के टू सो ऑन एच टी डिवाइड के टी बी फाइनाइट मैनी पेयर सेटिस्फाइज वन। अब क्या करेंगे लेट कर लिया अब सहला इजगल टू मिनिमम ऑफ मोड जाई माइनस एच वन के वन। नेक्स्ट क्या है मोड जाई माइनस एच टू डिवाइड बाई के टू मोड ऑन मोड जाई माइनस एच टी डिवाइड के टी और मोड अब साइला है वो ग्रेटर देन है जीरो से। तो यो यहाँ क्या करेंगे चूज ए नेचुरल नंबर एन सच डेट टू बाई एन प्लस वन जो हो गया वो लेस देन है किसे अब साइला से। फॉर दिस एन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर एच डैश के डैश इन फेरे सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर एन सच डेट मोड जाई माइनस एच डैश डिवाइड के डैश लेस देन है ये चीज क्या आया था टू बाई एन प्लस वन और ये किससे लेस देन है अब साइला से। तो
तो यहाँ से क्या गया मोड जाई माइनस एच डैश के डैश लेस देन है एप्सिलॉन से, सो एच एच डैश के डैश इज डिफरेंट फ्रॉम विच इज, जो हमारे पास ये फाइनाइट लिए थे हमने, यानी कि जो हमने लिए फाइनाइट लिए थे इसे एक अलग मिल रहा है। ये तो क्या है, कंट्राडिक्शन है। हम तो इसको फाइनाइट लेके चले थे कि फाइनाइट रेशनल नंबर है, ये आ गया कंट्राडिक्शन। तो हम यहाँ से क्या से कह सकते कि सो पेयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर सेटिस्फाइज वन। थैंक यू फ्रेंड्स, यही हमारी हुर्विट्ज़ थ्योरम थी और ये प्रूव हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।